अव्यय। आओ बच्चों, अव्यय के बारे में विस्तार से जानते हैं। बच्चों, ये तो आप जान ही गए हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया शब्दों का रूप, लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाता है, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका रूप, लिंग, वचन तथा कारक के कारण नहीं बदलता, बल्कि सदा एक समान रहता है। ऐसे शब्द अविकारी शब्द या अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, यहाँ, वहाँ, और, तथा, क्योंकि, अरे, वाह, आदि। आओ बच्चों, अब हम अव्यय के भेदों के बारे में जानते हैं। अव्यय के 5 भेद हैं। 1. क्रिया विशेषण, 2. संबंध बोधक, 3. समुच्चय बोधक, 4. विस्मयादि बोधक, 5. निपात।